हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ज्योति। होप यू डूइंग वेल। कल वीडियो डाली थी न्यूक्लियोटाइड पर, अगर आपको वो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम एक सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे किसका, जो कल हमने पढ़ाया था न्यूक्लियोटाइड। ओके, और आज हम पढ़ेंगे आरएनए एंड डीएनए के बारे में। आरएनए डीएनए क्या थे? न्यूक्लिक एसिड। तो हमें आरएनए डीएनए के बारे में बेसिक जो चीज़ स्ट्रक्चर है वो हमें पता लग चुकी है। अब हमें जानना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं और कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें अलग अलग हैं दोनों में, डीएनए एंड आरएनए में। लेट्स स्टार्ट। कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमने बताया था कि एक सुगर होती है, कौन सी सुगर? पेंटोज सुगर। वो डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है और राइबोज भी हो सकती है। इट मे बी राइबोज, इट मे बी डीऑक्सीराइबोज। 5 कार्बन का होता है डीऑक्सीराइबोज सुगर या राइबोज सुगर। न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं क्योंकि इसी से हम डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाएंगे। फर्स्ट कार्बन पर क्या ऐड होता है, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस 4 बताए थे मैंने, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि प्यूरीन कौन से थे, पिरामिडिन कौन से थे, चलो प्यूरीन, प्यूरीन नाम छोटा, स्पेलिंग छोटी है प्यूरीन की, ठीक है। तो इसमें 2 आएंगे, कौन से? एक प्यूरीन और पिरामिडिन में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि प्यूरीन कौन से थे, पिरामिडिन कौन से थे, तो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। प्यूरीन में थे एडिनिन और ग्वानिन। प्यूरीन में कौन से थे? एडिनिन और ग्वानिन, एजी। जी एजी किसमें थे? प्यूरीन में। मतलब प्यूरीन का स्पेलिंग छोटा है तो इसमें 2 आएंगे, पिरामिडिन का क्या बोलते हैं स्पेलिंग बड़ा है उसमें कितने हैं? 3, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन, ठीक है। एक और चीज बताई थी मैंने आपको प्यूरीन एंड पिरामिडिन में, क्या प्यूरीन में डबल एरोमेटिक रिंग कितनी थी? अब यहाँ पे उल्टा हो गया, कितनी? 2 और इसमें 1, ठीक है। चलो आते हैं, तो अब हमें पता है कि पहले कार्बन पर राइबो सुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उस पर क्या जुड़ गया है? हमारे नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसमें से प्यूरीन कौन से हैं? एजी। और पिरामिडिन कौन से हैं? सीटी। ये हम डीएनए की स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसलिए हम इसमें आपको यूरेसिल के बारे में नहीं बता रहे हैं। चलो 5 कार्बन पे क्या जुड़ता है? फास्फेट। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। अब जो बॉन्ड जो होता है पहले कार्बन और नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस और राइबोसुगर जिस बॉन्ड की सहायता से जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। विच बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछा जाता है किस किस को जोड़ता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़ता है राइबोज को, सुगर को और बेस को। किसको? सुगर और बेस। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है एक, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक और बॉन्ड बना था कहां? जब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फास्फोरस, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कार्बन किससे जुड़ा था? दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फोरस से। बताया था आपको ऐड करके कि न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होता है यहां पे ऐड होता है?
बताया था ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का क्या है, फास्फेट, किससे जुड़ता है, पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से। तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चलो जल्दी से रिवीजन करा दे रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आधे लोगों को तो कल का कुछ कुछ समझ में नहीं आया होगा। उसके बाद एक और चीज, अगर इस न्यूक्लियोटाइड में से हम फास्फोरस को हटा दें, फॉस्फेट, इसको हटा दिया हमने फॉस्फेट को, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना इसमें से टी को हटा दो, टी की जगह हम क्या, क्योंकि फॉस्फेट में भी टी आता है, न्यूक्लियोटाइड में भी टी है, तो इसको लिख देंगे हम न्यूक्लियो साइड। न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया? राइबो सुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या जोड़ दिया? बस फॉस्फेट, फॉस्फेट टी, तो क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है सबको? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या आएगा? सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अगर इसको, इस न्यूक्लियोसाइड को हमको टाइड में बदल देना है तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? फॉस्फेट। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। ये सबको क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में तीनों ऐड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है कि तुम चुप रहो बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी घुसते हैं, सुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों भी घुसते हैं, उनका दोनों का नाम था न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, पर जबरदस्ती कभी कभी क्या हमेशा ही फॉस्फेट आके रहता है, तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। ये कंसेप्ट क्लियर है। अब हम आते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर पे। डीएनए, डीएनए और आरएनए नाम तो दिए थे फ्रैंकलिन ने, ठीक है, पर डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन से इसमें कैसे अरेंज होते हैं, ये किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ये इंपॉर्टेंट है, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, 1953 में बताया था, ये सन भी पूछा जाता है। और इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए? डबल हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। अब हमको हमको ये बताना है कि डीएनए क्या, डीएनए मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम डीएनए। एक्चुअली जो डीएनए होता है उसी में जीन पाई जाती है। जीन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होती है, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये चीज तो पता है ना, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम में। जब सेल डिवीजन होता है तो हम देखते हैं कि दो क्रोमोसोम अलग होते हैं, अलग अलग पार्ट में जाते हैं, एक सेल से दो सेल बनती है या एक सेल से चार सेल बनता है, ठीक है। तो उसमें किसका रेप्लिकेशन, किसका डिवीजन हो रहा है? डीएनए का, क्योंकि ये सब जो मेहनत हो रही है वो किसके भी हो रही है? डीएनए के लिए। जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन है उसको हमें नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो जीन डीएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब ये जानना है कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डीएनए कितने टाइप के होते हैं, ओके। हम पढ़ेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। फुल फॉर्म क्या है डीएनए की? डी, इसमें कौन सी सुगर होती है? डी ऑक्सी राइबो, डीऑक्सीराइबो सुगर होती है, ठीक है। और एनए मतलब क्या? स्टार्टिंग में हमने बताया था न्यूक्लिक एसिड में दो आते हैं आरएनए और डीएनए, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जैसा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है सेम वैसे ही ऐड करना है हमको, बस हमें ये जानना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, कितने नाइट्रोजिनस बेस जुड़ते हैं, कौन सा इसका हेलिक्स होता है। चलो बताते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर। कॉमन फॉर्म, तीन तरह के डीएनए होते हैं, ए बी
और जेड, ठीक है। जो कॉमन फॉर्म होती है वो होती है बीडीएनए, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो सब में पाई जाती है। क्लियर है? हम पहले डीएनए का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ना कि एबीजेड का। जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होती है, डबल स्ट्रैंड, ठीक है, एक स्ट्रैंड। अब ये बनता कैसे, इसका एक स्ट्रैंड कैसे बनता है, सब ध्यान देना। इसकी एक स्ट्रैंड बना रहे हैं हम फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है सुगर, सुगर के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। ये तीनों चीज इस स्ट्रैंड में भी होगी और ये तीनों चीज इस स्ट्रैंड में भी होगी, पर सबसे बाहर क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में कौन सा होता है? इट में बी एडेनिन और इट में बी ग्वानिन, इट में बी साइटोसिन, इट में बी थाइमिन, ठीक है। ये इधर की जो ये जो डॉट बनाया है वो स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। फास्फेट और सुगर जुड़े हुए हैं। सेम चीज इधर होगी दूसरी स्ट्रैंड में। एक और चीज, जो डायरेक्शन होती है दोनों की एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल मतलब अगर एक फाइव से स्टार्ट है, थर्ड पे खत्म हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा, फाइव से स्टार्ट होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि ये भी फाइव से स्टार्ट हो रहा है, ये भी फाइव से स्टार्ट हो रहा है, नो। अगर ये फाइव स्ट्रैंड है तो ये थर्ड, फाइव और थर्ड याद है ना। जब फास्फेट जुड़ता है पांचवें कार्बन से और थर्ड कार्बन से जुड़ता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट, तो फाइव टू थर्ड, ये इसका मतलब थर्ड टू फाइव क्या है, फाइव टू, हमने कोटा बना दिया। थर्ड टू फाइव का मतलब क्या है कि ये जस्ट अपोजिट चलेगा, नीचे से स्टार्ट होगा, है ना, यहां से जुड़ेगा। फाइव टू थर्ड का मतलब क्या है, यहां से जुड़ा, ठीक है, और दूसरे स्टैंड में क्या होगा, यहां से जुड़ेगा। क्लियर है? फाइव टू थर्ड स्टैंड, दोनों जो स्टैंड होती है वो एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। और क्या होती है, डीएनए में पाया जाता है जीन, जीन में होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब पेरेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो वो कौन करता है, डीएनए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसका जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे, इसमें क्या क्या, कितनी इसकी लंबाई होती है, कितनी इसकी चौड़ाई होती है। डीएनए में जो होता है ग्रुप खांच पाई जाती है, खांच मतलब गड्ढा, ठीक है, ऐसे आगे पाया जाएगा, क्योंकि हम एक इसका पार्ट बना रहे हैं, एक हेलिक्स, एक टर्न बना रहे हैं। तो जो माइनर ग्रुप है और मेजर ग्रुप, मतलब बड़ा बड़ा खांच, थोड़ा डीप होगा और ये कम डीप होगा। तो एक माइनर से दूसरे माइनर ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको एक घुमाव बोलते हैं, वन टर्न। क्या बोलते हैं उसको, वन टर्न। कहां से, एक माइनर ग्रुप से दूसरे नेक्स्ट माइनर ग्रुप, ये सेम मेजर ग्रुप में भी हो सकता है, यहां से लेके जो नेक्स्ट जो मेजर ग्रुप होगी, दूसरी बड़ी खांच होगी, उसके बीच की दूरी क्या होगी, एक घुमाव, ठीक है। अब हमें जानना क्या है कि कितने एक घुमाव में, इसी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है ए और बी जेड डीएनए को, ठीक है, कि एक घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं। एक और चीज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तीनों पूरा न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती है ना, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, फॉस्फेट सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ए जी टी सी ए जी टी, ठीक है, ऐसे पाए जाएंगे नाइट्रोजिनस बेस। अब ये जो दूसरे स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजिनस बेस है उसके साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। क्या बनाते हैं, बॉन्ड। और ये बॉन्ड हर किसी के साथ, हर कोई नहीं बनाता। जो एडेनिन है वो बनाता है किसके साथ, थाइमिन के साथ, और जो ग्वानिन है वो किसके साथ बनाता है, साइटोसिन के साथ। आरएनए के केस में थाइमिन नहीं होता तो एडेनिन किससे बनाएगा, यूरेसिल,
हाइड्रोजन बॉन्ड, विच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तीन तरह के बॉन्ड बता चुके हैं हम। फास्फेट जो जुड़ता है किससे, पहली जो कनेक्टिंग फास्फेट होता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जबकि जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और थर्ड बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो थाइमिन के सामने कौन जुड़ेगा, एडेनिन। ग्वानिन के सामने साइटोसिन, ये दूसरी स्ट्रैंड के हैं। एडेनिन के साथ है फिर थाइमिन, ठीक है, साइटोसिन के सामने फिर ग्वानिन, थाइमिन के फिर एडेनिन। मतलब ये बॉन्ड एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ये चार का फ्रू है, अभी बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट कि चार का फ्रू क्या होता है। एक और चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एडेनिन और थाइमिन। बहुत दूर है ना, एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, ए, उसके बाद सी, फिर जी, फिर टी। ए और टी बहुत दूर है तो इनमें ज्यादा प्यार नहीं होता, ज्यादा दोस्ती नहीं होती, तो दो ही बॉन्ड बनाते हैं। जबकि जी और सी पास रहते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं, है ना, तो इनमें बहुत प्यार होता है, इनमें तीन बॉन्ड बनाते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन कितने बॉन्ड बनाएंगे, दो। क्यों, क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, वो कभी कभी आ जा पाते हैं, एक बैंगलोर रहता है, एक जयपुर रहता है, बहुत दूर रहते हैं, और दोनों जयपुर रहते हैं तो पास पास में रहते हैं, तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, तीन बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूछा जाता है एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, पहली चीज थाइमिन के साथ, कितने बॉन्ड बनाएगा, दो। ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ, कितने बॉन्ड बनाएगा, तीन। चलिए अब हम बताते हैं कि जो इसका एक घुमाव होता है, बना देते हैं बॉन्ड, कंफ्यूजन क्लियर नहीं है, ए जी सी टी, ए के साथ टी, जी के साथ सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए। अब हम बता रहे हैं एक पूरा जो टर्न होता है, एक टर्न कहाँ होता है, एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप को, है ना, या तो एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप का, जो ये पूरा दो टर्न आ जाते हैं इसमें, एक तरीके से बोलेंगे दो पार्ट अगर हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम एक टर्न। इसकी कितनी लंबाई होती है पूछा जाता है, इसकी होती है 34 एंगस्ट्रम। कितनी, एक टर्न का घुमा, हेलिक्स लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, देखना है इसकी इसकी डायमीटर कितना होता है। ये अब तीनों में अलग अलग होगा, जो मैं बता रही हूँ बी डी एन ए का होगा। इसका डायमीटर होता है 34 एंगस्ट्रम, कितना होता है 34 एंगस्ट्रम। मतलब अगर हम पूछा जाए हमारी हेलिक्स लेंथ या हेलिक्स डायमीटर कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रम। कंफ्यूज मत करना नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में, ओके, हम एंगस्ट्रम में सारे डेटा बता रहे हैं, 34 एंगस्ट्रम होती है। और एक टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, 10। कितने पाए जाते हैं, 10, 1, 2, 3, 5 इसमें और 5 इसमें, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक बात बताओ, 10 टोटल हैं और टोटल इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रम है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी इसको हम बोलेंगे एक नाइट्रोजिनस बेस की दूसरे नाइट्रोजिनस बेस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं राइज। इस सब इस मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बीच की जो दोनों की डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं राइज, ठीक है। बता सकते हो कितनी होगी, अगर आप लोगों ने, अगर समझ में अगर आपको ये चीज क्लियर आ रही होगी तो आप लोग तुरंत बता दोगे कि पूरे टर्न में कितने बेस पेयर है, 10। पूरे टर्न की लेंथ कितनी है, 34। तो एक जो राइज होगी, मतलब एक के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रम। तो राइज जो होता है वो कितना होता है बीडीएनए में, 3.4 एंगस्ट्रम, इसके बीच की दूरी, समझ गए हो। फिर से बताते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं,
एक टर्न होता है वो एक माइनर ग्रुप से खत्म होता है, दूसरे माइनर ग्रुप पे से स्टार्ट होता है, पहले माइनर ग्रुप पे खत्म होता है, और या कह सकते हैं एक मेजर ग्रुप से स्टार्ट होता है, दूसरे मेजर ग्रुप पे खत्म होता है ना। उसमें कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? 10 जोड़े, क्योंकि अगर हमने 10 बोल दिए, 10 में ही इसके दूसरे स्ट्रैंड के भी तो गिनने होंगे, कितने पाए जाते हैं? 10 जोड़े। पूरा जो लेंथ है उसकी एक टन की हेलिक्स की कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, और कितने पाए जाते हैं? 10। तो एक के बीच में क्या, सिंपल है, 10 से डिवाइड कर दो, कितनी बची? 3.4 एंगस्ट्रॉम। बस इसी के बेसिस पे डिवाइड किया गया ए बी जेड डीएनए को, और कुछ नहीं है। क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। एक माइनर ग्रुप से दूसरे माइनर ग्रुप की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हेलिक्स। क्या बोलते हैं? टर्न। कितने नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? 10। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, 10 जोड़ी, 10 पेयर। टोटल लेंथ कितनी होती है हेलिक्स लेंथ? 34 एंगस्ट्रॉम। तो राइज कितनी होगी? राइज समझते हो, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, कितनी होगी राइज? 3.4 एंगस्ट्रॉम राइज है दोनों के बीच की दूरी। अगर आपको ये भी बता देती मैं कि राइज कितनी होती है, दो के बीच में दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितने होते हैं? 10। तो 3.4 × 10 = 34। अब मुझे लगता है सबको क्यों एंगस्ट्रॉम में लिखना है, नैनोमीटर में नहीं बता रही मैं आपको वैल्यूज, एंगस्ट्रॉम में बता रही हूँ। चलिए अब बस आपको ये याद रखनी है डीएनए में, उसके हिसाब से बी और जेड डीएनए बनाए गए हैं, ठीक है। एक बार हम तीनों का क्लियर कर देते हैं। अगर जो घुमाव है वो राइट डायरेक्शन में हो, राइट हैंडेड,